हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। वेल, कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं, मुझे समझ नहीं आता लोग गोवा क्यों जाते हैं, मुझे समझ नहीं आता तुम झूठ क्यों बोलते हो, मुझे समझ नहीं आता वो ऐसा क्यों करता रहता है, मुझे समझ नहीं आता तुम लोग समय पर क्यों नहीं आते हो। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है? यहाँ पर जो आया है मुझे समझ नहीं आता, इस फ्रेज के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? तो इसके लिए आप दो फ्रेज यूज कर सकते हैं। पहला, I don't understand, सिंपल तरीका। अगर एडवांस में बोलना चाहते हैं, एडवांस इंग्लिश में, तो आप कहिएगा I fail to understand, I fail to understand means मुझे समझ नहीं आता, या I don't understand, सिंपल इंग्लिश में, बेसिक इंग्लिश में। आपको जो भी अच्छा लगे उसका यूज कीजिएगा, लेकिन पर्सनली मैं यूज करता हूँ I fail to understand, जो कि हमको बहुत ही अच्छा लगता है, ये एडवांस इंग्लिश है। अब इसके कंप्लीट स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा आई डोंट अंडरस्टैंड या नहीं तो आई फेल टू अंडरस्टैंड, और आखिरी में लगा देंगे कंप्लीट सेंटेंस। लेकिन सेंटेंस देखिए कैसे होगा। सबसे पहले आपको डब्ल्यू एस फैमिली वर्ड राइट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर सेंटेंस में आपका कैसे वर्ड आए तो आपको हाउ राइट करना पड़ेगा, कहां वर्ड आए तो वेयर राइट करना पड़ेगा, क्यों वर्ड आए तो व्हाई राइट करना पड़ेगा, क्या वर्ड आए तो व्हाट राइट करना पड़ेगा, मीन्स डब्ल्यू एस फैमिली वर्ड्स राइट करना पड़ेगा। WH फैमिली वर्ड के बाद आपको लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को लगाने के बाद हम लोग लाएंगे हेल्पिंग वर्ब। जिस भी टेंस में आप सेंटेंस बोल रहे हैं उसका हेल्पिंग वर्ब लगाइए, और हेल्पिंग वर्ब को लिखने के बाद लगाएंगे मेन वर्ब, और मेन वर्ब को लगाने के बाद लास्ट में अदर वर्ड्स, जो भी शब्द बच जाएंगे। अब इस स्ट्रक्चर को बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, मुझे समझ नहीं आता लोग गोवा क्यों जाते हैं। तो इस सेंटेंस के लिए आप क्या कहिएगा? आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई पीपल गो टू गोवा, I fail to understand why people go to Goa. अब यहाँ पर अगर सेंटेंस को ऐसे आप बोलते हैं, I fail to understand why do people go to Goa. ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं अपने मन की बातों को, मुझे समझ नहीं आता कि लोग गोवा क्यों जाते हैं। तो इसको आपको क्वेश्चन की तरह नहीं बोलना है। WH फैमिली के बाद आपको जो है कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। आई थिंक आपने समझा। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे समझ नहीं आता आप लोग क्या चाहते हैं। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट, आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट, यानी तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे समझ नहीं आता मैं वहां कैसे जाऊं। इस सेंटेंस को आप दो तरीके से बना सकते हैं। यदि आपका सेंस, अगर सलाह देने का सेंस हो, मीन्स अपने आप से सलाह मांग रहे हैं, एडवाइस का सेंस हो, तो इसके लिए आप कहिएगा आई फेल टू अंडरस्टैंड हाउ आई शुड गो देयर, आई फेल टू अंडरस्टैंड हाउ आई शुड गो देयर, यानी तो I fail to understand how I go there. Simply आप present indefinite tense का use कर सकते हैं। Next sentence देखते हैं। तो next sentence है, मुझे समझ नहीं आता तुम सुबह से यहाँ क्या कर रहे हो। ये present perfect continuous tense का sentence है। तो इस sentence के लिए कहिएगा I fail to understand what you have been doing here since morning. यानी तो I don't understand what you have been doing here since morning. Next sentence, मुझे समझ नहीं आता कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई यू आर लाइंग, आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई यू आर लाइंग, यानी तो आप कह सकते हैं आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई यू आर टेलिंग अ लाई, टेलिंग अ लाई या सिर्फ लाइंग से काम चला सकते हैं। दोस्तों, इससे जुड़ी मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं, उसको ट्रांसलेट की जाती है कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई करेक्ट इट। गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें, ताकि मेरा रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पे मिलती रहे।